अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया है देखिए, चार नंबर इसलिए बता रहा हूँ, तीन नंबर आपसे बन जाएगा, 26 का पावर 1/3 है तीन नंबर, तो क्या दिक्कत है यार, हम लोग यहाँ x 27 मानेंगे और ये x का पावर 1/3 के फॉर्म में, तो बन जाएगा ना आपसे, ये देखो इसका 33 का पावर -1/5 दिया है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है, चलिए तो इसके अनुसार हम लोग मान लेंगे, माना एफ एक्स बराबर में क्या लेंगे जी, x का पावर -1/5, क्योंकि पावर माइनस में है, ठीक है, अब इसको डिफ्रेंसिएट करेंगे, डिफ्रेंसिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो यहां से आपका एफ डैश x निकल के आएगा, आपका क्या हो जाएगा, पावर नीचे उतरेगा और पावर में से एक घट जाएगा, तो माइनस का 6/5 था, तो यहाँ प्लस का 6/5 कर देंगे। अब सोचोगे कि सर ये कैसे हुआ, आप चाहो तो करके देख सकते हो डिफरेंशिएशन x का पावर -1/5 का क्या हो जाएगा, तो पावर नीचे उतरेगा, पावर में से एक घटाएंगे, ठीक है, तो माइनस का 1/5 एक्स का पावर, पावर में से एक घटाएंगे, एलसीएम लेंगे 5, माइनस का 1 और माइनस का 5, -6/5, तो नीचे आके प्लस का हो जाएगा कि नहीं, यही ना आएगा आपका। चलिए अब देखो यहाँ पर आप माइनस प्लस पे नहीं ध्यान दो, अब यहाँ देखो ये 33 है और यहाँ पावर में 1/5 दिया, तो 32 का पावर 1/5 आप जानते हैं, 32 का पावर 1/5 का वैल्यू 2 होता है, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 32 का पावर -1/5 तो आपका आ जाएगा 1/2। अब सोचो कैसे, अब देखो इसे 2 का पावर 5 करोगे और पावर में आपका माइनस का 1/5 है, 5 से 5 कट गया, 2 का पावर -1 यानी कि 1/2 ना, तो यहां ले सकते हैं, तो देख सकते हैं कि यहां पर 33 जो है 33 के निकटतम है, 32 के निकटतम है तथा 33 के निकटतम है तथा 32 का पावर -1/5 जो होगा 1/2 के बराबर है, जैसा कि मैंने यहां बगल में बताया है आपको, ठीक है, तो x बराबर में क्या मानेंगे 32 और x प्लस डेल्टा x क्या हो जाएगा 33, x का वैल्यू 32 रखेंगे, यहां से डेल्टा x का वैल्यू आ जाएगा, तो यहां से आपका डेल्टा x जो आएगा 1 आ जाएगा, ये जाके उधर घटेगा 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एफ एक्स प्लस डेल्टा x बराबर में एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स इंटू में डेल्टा x, यहाँ पे एफ एक्स प्लस डेल्टा x की जगह 33 रख देंगे, बराबर में एफ एक्स का वैल्यू क्या है x का पावर -1/5 प्लस में 1/2, यहाँ देखो ये माइनस का है ना एफ एक्स, ये माइनस का 1/2 आपका 5 x का पावर 6/5 इंटू में डेल्टा x, तो डेल्टा x का वैल्यू यहाँ पे है आपका 1, ठीक है। चलिए अब इसके बाद सॉल्व करते हैं, तो ये फंक्शन में रख देंगे, तो ये हो जाएगा 33 का पावर -1/5 इक्वल टू, यहाँ पे 32 रखना है ना x की जगह, 32 का पावर -1/5 प्लस, यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं माइनस कर देता हूँ ना यहाँ पे, ठीक है, क्या दिक्कत है, प्लस माइनस माइनस कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम लोग चाहे तो माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस कर दिया, 1/5 एक्स की जगह क्या रखना है 32 का पावर 6/5, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं इसे सॉल्व करूंगा यहाँ पे, ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पे ये यह हो जाएगा 2 का पावर 5 का पावर -1/5, यही ना है जी, 5 से 5 कट जाएगा, -1/5 यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 5 का पावर 6/5, तो यहाँ भी 5 से 5 कट जाएगा, तो देखो इसे तो मैं 2 का पावर -1 यानी कि 1/2 और -1/5 × 2 का पावर 6 आपका 64 हो जाएगा, तो 1/2 यानी कि 0.5 और ये हो जाएगा आपका इसको 1/5 × 5 = 20, 2 × 6 = 32, 2 = 32, 1/320 यही ना होगा आपका, इसको सॉल्व कर देते हैं, तो इसमें 0.5 और 1 में 320 से भाग करेंगे तो 0.003125, इसमें से इसको घटा दो तो आ जाएगा 0.496875 लगभग में, यही इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गया, समझ गए, चलो इसका 5